बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की, जहां हाट गम्हरिया अंतर्गत भाजपा का 11 गांव में जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान सांसद सह लोकसभा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को संबोधित करते हुए गांव के लोगों की समस्या सुनी और जल्द इसे निदान कराने की बात भी कही। वहीं उन्होंने रफ्तार मीडिया से बात करते हुए रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए इस अपनी बातों को रखा और बंद पड़े माइंस खदान को दोबारा चालू कराने की बात कही गई। उनके द्वारा विपक्ष के ऊपर दोषारोपण भी करती नजर आई और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इसी दौरान कई ग्रामीण आवास योजना में विलंब को लेकर भी गीता कोड़ा को शिकायत सौंपा गया। अब तक मुझे लगता है कि पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र का एक राउंड हमने कर लिया है और जहां भी हम लोग जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और हम लोग जहां भी जा रहे हैं लोगों का इस तरह से प्यार और सम्मान। मैडम, विपक्ष अब तक चेहरा नहीं दिखाया, उसके बाद आप लगातार डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं, इसको कैसा देखा जाए? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जिस तरह से लोगों को उसने छलने का काम किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार ने लोगों को छलने का काम किया है, चाहे वो बिजली माफी के नाम पर हो, किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया और ना ही इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा मुद्दा नहीं है, आज यहाँ लगातार पलायन हो रहा है, लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। मैंने खुद कई बार मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कई बार आवेदन किया, कई बार कहा कि इस क्षेत्र में लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ जो माइंस है, एक समय में 40-45 माइंस चलती थी, आयरन ओर की माइंस चलती थी, आज सभी बंद है, गिन करके 4-6 माइंस चल रही है और ऐसे में लोग पलायन कर रहे तो उसको खोला जाए, बगल के राज्य में खुला कैसे उतरता है? अच्छी शिक्षा, अच्छी बिजली, उसके अलावा आप रोजगार के लिए क्या करेंगे आते हैं? देखिए, हमने पिछली बार भी हमेशा आवाज उठाया है क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र में माइंस है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो हमने पिछले बार भी इस बात को उठाया है और लगातार इस विषय पर लगे हुए हैं कि यहाँ जो माइंस है पुनः पहले की तरह 2013 से पहले जो माइंस चलती थी उन सभी माइंसों को पुनः चालू किया जाए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आदित्यपुर में है वहाँ भी बहुत सारे छोटे उद्योग जो आज बंदी के कगार पर है, सरकार उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके उनको पुनः वापस चालू करें, ये हम लोगों की प्राथमिकता होगी ताकि यहाँ के बच्चे यहीं रोजगार उनको मिले। मैंने